नहीं प्राची, नहीं प्राची, ये शादी नहीं होगी। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। क्या ऐसे क्या देख रही हैं आप? हाँ, I'm sure आप सब लोग सरप्राइज होंगे, and this is not a pleasant one. आप लोग सोच रहे होंगे कि आलिया यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मुझे तो यहाँ आना ही था, तो लो मैं आ गई। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? आप क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। यही तो गलत बात है तुम्हारी विक्रम, गलत टाइम पर गलत इंसान पर गुस्सा करते हो। टाइमिंग बहुत खराब है तुम्हारी। यही गुस्सा जो तुम मुझ पर दिखा रहे हो ना, अपने बेटे को दिखाते ना तो शायद से वो ये शादी छोड़कर नहीं जाता, मंडप में होता इस वक्त। अब मेरी रिया का क्या होगा? जो होगा ना वो हम देख लेंगे। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? हिम्मत तो बहुत है दीदा, लेकिन आप ये नहीं पूछना चाहते हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं इस घर में कैसे आई। आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने आपके पोते पर हाथ उठाया। राइट? मेरी रिया, मुझे नहीं पता आप कौन है, तो प्लीज मेरा नाम भी मत लेना अपने मुंह से। और मैंने आपको इनवाइट नहीं किया। आपने जो पास में हम सब के साथ किया है उसके बाद इनवाइट करना तो दूर की बात है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है आपसे। टूट चुका है रिश्ता आपसे, समझिए आप। गॉड, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं यहाँ क्यों आई? आप लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं मैं जानती हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू ऑल, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए, आई डोंट केयर। क्या इल्जाम था मुझ पर हा? कि मैंने प्राची और उसकी बेटी को मारा? अरे उसकी बेटी और प्राची तो इसी धरती पर घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। तो मुझ पर जो इल्जाम लगे थे वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। मैं कल्प्रिट नहीं हूं, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। और क्या कह रहे थे आप लोग कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर आऊंगी क्योंकि मेरी रिया की शादी अपने प्यार से हो रही है। अरे इस लड़की ने पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी उसके लिए, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी? रिश्ते निभाने आते हैं, मुझे आप लोगों की तरह नहीं हूँ, रिश्ते कंट्रोल नहीं कर पाते। अरे अपने रणबीर को तो कंट्रोल नहीं कर पाए, ये दूसरी बार है विक्रम जो रिया को ऐसे मंडप पर छोड़ कर गया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? डोरमैट है मेरी रिया। और आप दीदा क्या कहती रहती हैं आप कि मेरा पोता ऐसा है, मेरा पोता महान है, माय फर्स्ट। हरकतें देखी हैं आपने अपने पोते की? लड़की को मंडप पे छोड़कर चला गया। अरे शर्म के मारे आपकी आंखें झुक जानी चाहिए। अरे नालायक है आपका पोता, घटिया इंसान। Enough. Enough.
प्रिया पुत्र, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रणबीर की इस हरकत से। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुझसे। यहाँ फौरन आइए, तुरंत आइए आप यहाँ पर। हाँ, थैंक यू। हेलो। जी मैडम। वहाँ रणबीर आया है। जी हाँ मैडम, वो यही है। ओह गॉड, गॉड याद भी बिना लिसन, वो वहाँ पर कुछ कर ना पाए। निकालो उसे वहाँ से। प्राची की शादी रोकने आया है वो, पर प्राची की शादी रोकनी नहीं चाहिए। उसकी शादी आज होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन मैडम वो मंडप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और मुझे लगता है वो आज ये शादी रुका के रहेगा। भविष्यवाणी करना बंद करियो इडियट। मेरी बात ध्यान से सुन। जी लेकिन ये आप जैसा कहा है वैसा करो और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रणबीर को वहां से ले जाओ। दो तीन आदमी अपने साथ रखो, लेकिन रणबीर को वहां से ले जाओ अभी का अभी, तुरंत। जी। रणबीर। नहीं दादी, प्लीज रुकने दीजिए शादी। रिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपनी बूजी के खिलाफ क्यों खड़ी हो? नहीं बूजी, मैं अपने परिवार के साथ खड़ी हूँ। और हमेशा इनके साथ ही रहूंगी। तुम्हें अपने परिवार के साथ खड़ा रहना है तो रहो, लेकिन पोछा बनकर मत रहो। You're being a doormat, goddammit! बस बूजी, बहुत हो गया। आप पहले भी बहुत कुछ बोल चुकी है, जरूरत से ज्यादा बोल चुकी है। I think it's time for you to leave. चले जाओ आप यहां से। No! मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई नहीं निकाल सकता मुझे यहां से। ये लोग भी नहीं, तुम भी नहीं। तुम भी मुझे अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकती हो रिया। Got it? Pooji, you are crossing the line now. I'm not crossing the line. मजाक समझ के रखा है आप लोगों ने, और आप लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अरे जिसके मन में जो आए वो कर रहा है। And you, इंसान नहीं हो तुम रिया। फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे अंदर। तकलीफ नहीं होती तुम्हें। रणबीर तुम्हें यहाँ मंडप में छोड़ के चला गया है। एक बार फिर से रिया, और यहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता रिया, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन कैसे बिहेव करे। इंसानियत कहां चली गई आप लोगों की? मेरी रिया के साथ ये सब हो रहा है और आप लोग यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। रणबीर को तो मेरी रिया को हर्ट करना ही आता है, पर आप लोग, ये वैल्यूज हैं आपके, ये संस्कार हैं आपके। इतना बड़ा ईगो इस बात के लिए दीदा? क्या करता है रणबीर? जब मर्जी होती है रणबीर की तब वो रिया को यूज करता है, और जब प्राची आ जाती है तो लात मार देता मेरी रिया को। ऐसा क्या किया है प्राची ने इस घर के लिए जो आप सब लोग उसकी तरफ झुक जाते हैं?
मेरी रिया ने इस घर को संभाला है, मेरी रिया ने इस घर को खुशियां दी है। जब प्राची इस घर को छोड़ के चली गई थी ना, तो सालों साल मेरी रिया ने इस घर को संभाला, आप सबको संभाला, आपके बेटे रणबीर को संभाला। और रणबीर एक बार फिर से मेरी रिया को छोड़कर प्राची के पास चला गया। दोबारा आएगी प्राची और आप सब लोग जाएंगे उसके पास, गले लग जाएंगे और कहेंगे हमारी प्राची, हमारी प्राची। मुझी, just calm down, शांत हो जाइए आप। नहीं होंगी मैं शांत। अरे किस लिए हूं मैं शांत? My foot! और अब रिया शांत होने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो होना था ना वो तो हो चुका है। पुलिस को मैंने बुला लिया है। पंडित जी शादी की विधि शुरू कीजिए। सुन, तुझे फौरन यहाँ आना होगा, एड्रेस भेजता हूँ, पहले बोल आएगा ना? कितना टाइम लगेगा? ठीक है। अब वधु वर के हाथ में अपना हाथ रखेगी। रुक जाओ, बस। रणबीर, रणबीर क्या कर रहा है? रणबीर ये क्या कर रहे हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा है, गठबंधन खोल रहा हूं। रणबीर ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गलत है। गलत तो जो यहाँ पे हो रहा है वो है, मैं ठीक कर रहा हूं। ठीक हो क्या रहा है? ये है कौन? रणबीर छोड़ दे, क्या कर रहा है तू? छोड़, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं रुकूंगा मैं, नहीं रुकूंगा सर, छोड़िए मुझे। रणबीर तुम पागल हो गए हो क्या? क्या हट जा से, चलो यहां से। पागल हो गया रणबीर, छोड़ उसे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जल्दी बुझा। ये क्या किया तुमने? हाँ पागल हो गए हो तुम? गठबंधन में आग क्यों लगाई? क्या है ये सब रणबीर? पूछ रही हो क्या करना चाहते हो? क्या है ये सब? क्या कर रहे हो तुम? रणबीर जाओ, तुम यहां से निकलो। ठीक है, तुम वापस गठबंधन करो। अक्षय प्राची बैठो, तुम जी बैठो, बैठो बैठो। पागल हो गया तू?
अब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? समझ में आया? नहीं, आप लोगों को समझ में आया? मैं समझाता हूं आपको। मैं यहां पर ये शादी तोड़ने आया। प्राची, तुम अक्षय से शादी नहीं करोगी। हो कौन तुम? बताओ कौन हो तुम? मॉम कुछ नहीं, ये मैं प्राची का पति हूं। प्राची मेरी पत्नी है। प्राची और मैं हस्बैंड एंड वाइफ, समझे? समझे? अब याद आया कि प्राची तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके हस्बैंड हो। हक जताना भूल गया था, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि मुझे हक जताना चाहिए। और दादी, आप, आपका तो फर्ज है ना कि ये सब ना हो। आप इन सबसे बड़ी हैं, सबसे समझदार हैं। आपके सामने इतना कुछ हो रहा है और आपने कुछ नहीं बोला। ये सब होने दिया आपने? Enough, रणबीर, बहुत हो गया तुम्हारा, पर बहुत सुन लिया मैंने। I want you. Don't you dare cross your limit. समझे तुम? Get out! तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे और प्राची के बीच में बोलने का, समझे? चुप रहो और ये दिखावा मेरे सामने मत करो कि तुम बेहतर हो मुझसे। प्राची के लिए नहीं हो तुम, प्राची मेरी बीवी है, समझे? We are husband and wife. वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, और इसलिए नहीं करेगी क्योंकि खुशी हमारी बेटी है और उसको हम कौन चाहिए। Yes, खुशी हमारी बेटी है और उसकी जरूरत है कि उसके माँ बाप एक साथ रहे, समझो? रणबीर, लिसन, जो था वो था, पास्ट था, उसे भूल जाओ। और तुम ये क्या कह रहे हो कि खुशी को तुम दोनों की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा तुमने रणबीर, एक बच्चे को मां बाप दोनों की जरूरत होती है। लेकिन कैसे मां बाप? हाँ, कैसे मां बाप? वो माँ बाप जो एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे माँ बाप। रणबीर, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, ऐसे बहुत माँ बाप देखे हैं जो ये कहते हैं कि हम साथ तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो बच्चे पर क्या बीतती है, उस बच्चे को क्या मिलता है। हाँ, लड़ाई, झगड़ा, कलेश, इसके अलावा कुछ नहीं। उन लोगों की वजह से उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है रणबीर, बर्बाद। उन बच्चों को मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, साइको हो जाते हैं वो। इसलिए तुम्हारा ये रीजन काफी नहीं है रणबीर, ये शादी तोड़ने के लिए। समझे तो समझे तो। एक और वजह है अक्षय, सिर्फ खुशी के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, एक और वजह है। बोलो रणबीर, और क्या वजह है? किस वजह की बात कर रहे हो तुम? क्यों शादी नहीं करूं मैं अक्षय के साथ, बोलो। तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। तुम जवाब जानती हो। नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सवाल जिसका जवाब मैं तुमसे चाहती हूँ। नहीं प्राची, अपने मन से पूछो, तुम्हें जवाब पता है। जो भी जानती हूँ, जो भी नहीं जानती, सुनना तो तुमसे ही है। बोलो रणबीर, क्या वजह है? क्यों नहीं चाहती है शादी हो? बोलो बोलो, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
जब से मिला एक आया बन गए ख्वाबों का मेरे मकान बन गए. Yes, I love you. तुम्हें 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 दिखाई नहीं देता है, मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता, मेरे दिल में दिखाई नहीं देता, मेरी आत्मा में दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं. I love you, Prachi.